पौड़ी में मौसम विभाग ने जनपद में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी के मद्देनजर छात्र छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए जिलाधिकारी द्वारा शनिवार को जनपद की सभी कक्षा 1 से 12वीं तक संचालित सभी शैक्षणिक संस्थाओं एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। जानकारी देते हुए जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डॉ. विजय कुमार जगदंडे ने बताया कि बारिश को देखते हुए पौड़ी जनपद के सभी शासकीय अर्धशासकीय एवं निजी विद्यालयों के साथ साथ विश्वविद्यालयों आंगनबाड़ी केंद्र में भी शनिवार को अवकाश घोषित किया गया है। तो शनिवार को सारे विद्यालय बंद रहेंगे, लेकिन विद्यालयों और कार्यालयों में सभी अध्यापकों और कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्व की भांति ही यथावत रहेगी। कोई अवकाश उन्हें नहीं दिया जाएगा। साथ ही IRS प्रणाली से जुड़े संबंधित विभागीय अधिकारी भी अलर्ट मोड पर रहेंगे और निगरानी बनाए रखेंगे। पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। मौसम विभाग के द्वारा जो है वर्षा का हेवी अतिवृष्टि का संभावना व्यक्त किया गया है। आज भी संभावना व्यक्त किया था, कई ऐसे जिलों में हल्की बारिश हुई है, लेकिन कल का जो अलर्ट है वो रेड श्रेणी में रखा गया है और उसको देखते हुए सभी विद्यालयों में हम लोगों ने अवकाश की कार्रवाई संपन्न करा रहे हैं। कल 8 तारीख है, 8 तारीख का भी अवकाश हम घोषित कर रहे हैं और सभी शिक्षकों से अनुरोध कर रहे हैं कि अपने अपने क्षेत्र में बने रहेंगे। सभी अधिकारियों से अनुरोध कर रहे हैं कि अपने क्षेत्र में बने रहेंगे। कोई भी दुर्घटना होने पर, कोई भी घटना होने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत सहायता करने की कार्रवाई की जाए।